हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं लॉन्ग टर्म पास होल्डर एंड स्टूडेंट पास होल्डर के ऊपर। आप सबको पता है कि आज से एक डेढ़ हफ्ते पहले सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आई थी वर्क परमिट को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, क्वारंटीन को लेकर और सिंगापुर की लोकल न्यूज को लेकर। तो उसी में एक न्यूज आई थी सिंगापुर के लिए लॉन्ग टर्म पास होल्डर, स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म विजिटर, फैमिली विजिटर, ये भी आई थी न्यूज और ये रियल है गाइस। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि अगर स्टूडेंट्स और लॉन्ग टर्म पास होल्डर सिंगापुर फ्लाई करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर फ्लाई करते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर फ्लाई नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं गाइस। आपको सब कुछ इस वीडियो की तरफ से जानकारी मिलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी तरह की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, क्योंकि बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला हूं। आप मुझे वहां पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको ऐड करूंगा लाइव चैट में, यानी कि आप मुझसे फेस टू फेस अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है गाइस, क्योंकि मैंने मेरा ये आइडिया है कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीडियो के दौरान। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इसके अलावा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, मेरा और मेरे भाई का, आप जाके उन्हें व्हाट्सएप और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो शेयर करते हैं और बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्टूडेंट के ऊपर। तो वीडियो शेयर करते हैं गाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा सा सुनकर बुरा लगेगा बट आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो ये न्यूज है नॉट फॉर इंडियंस, मैं पहले बता दिया गाइस, जैसे ऐसा ना हो कि बाद में आपको कि सब बताने के बाद आप लास्ट में बोल रहे हो कि अरे ये तो इंडिया के लिए ही नहीं। बट मैं जो वीडियो बना रहा हूं कोई मकसद है गाइस, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो इंडिया के लिए नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज जिसके लिए न्यूज नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगा, आप सुने, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के पैसे बचें बस। तो यानी कि आप इस वीडियो को देखेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा गाइस आप लोगों को। आप सबको पता है कि डेढ़ से दो हफ्ते पहले न्यूज आई थी सिंगापुर की तरफ से कि सिंगापुरियन पीआर और लॉन्ग टर्म सॉरी सिंगापुर पीआर एंड सिटीजन ट्रैवल कर सकते हैं 8 कंट्रीज में, और वहां आने से पहले यानी कि सिंगापुर आने से पहले उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी स्वैब टेस्ट की। स्वैब टेस्ट तो कंपलसरी है गाइस, क्योंकि बिना स्वैब टेस्ट के कोविड कैसे पहचानेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कहीं भी जाओ, इंडिया में या कहीं भी, कोई भी कहीं भी जाएगा, स्वैब टेस्ट होगा तभी कोविड की पहचान होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको सेफ ट्रैवल, यानी कि सेफ ट्रेवल एक वेबसाइट है चांगी एयरपोर्ट की तरफ से और ये अंडर आती है ICAMOA के। आप सबको पता है कि जिनका वीजा आया हुआ था, MOA अप्रूवल आई थी, जो सिंगापुर आ चुके हैं, उन सब ने सेफ ट्रेवल की तरफ से कोविड स्वैब टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी, जिसका जो प्राइस था 160। जिनका वीजा MOA अप्रूवल आ गई थी, जो फ्लाई करने वाले थे उन्होंने भी बुक की थी 160 पे करके, सिंगापुर डॉलर 160 पे करके स्वैब टेस्ट फ्रॉम सेफ ट्रेवल। ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट फ्रॉम चांगी एयरपोर्ट की तरफ से है। आप सबको पता है जो मेरे स्टूडेंट आए थे उन्होंने बुक की थी और जो आने वाले थे उन्होंने बुक की थी, बट सबके पैसे वापस हो चुके थे फ्रॉम MOA और फ्रॉम सेफ ट्रेवल की तरफ से, आप सबको पता है। इसके अलावा जिनको नहीं पता है वो आप देखें वीडियो, आपको सब पता चलेगा क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी हमारी कंट्री में आएगा ये इस 8 कंट्रीज से, जो इसके अलावा अदर कंट्रीज हैं वो भी आ सकते हैं सिंगापुर, ऐसा नहीं कि ये अदर कंट्रीज लोग भी आ सकते हैं, तो उनको सेफ ट्रेवल की तरफ से स्वैब टेस्ट बुक करना पड़ेगा 160। तो सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे अपडेट है। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में बात किया, कॉलेज ने मुझे लिंक भेजा, फिर मैंने इस पर स्टडी की, फिर मैंने दूसरे कॉलेज में बात किया, उसके बाद मैंने लास्ट वीक अभी ट्यूजडे मैंने बात किया, जब मैंने वीडियो बैंक के साथ बात किया, मैंने ट्यूजडे को भी बात की, सब जब मैंने बात करते करते फिर मुझे कंफर्मेशन आया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो क्यों अलाउ नहीं है, आपको मैं न्यूज की तरफ चलता हूं, अपने स्क्रीन की तरफ चलता हूं कि आप देखें कि क्यों अलाउ नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या है। तो मैं आपको सीधे चलता हूं स्क्रीन की तरफ और देखें कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो चलिए गाइस देखें। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये ICA का लोगो बना है, ICA के लिखा है, उसके पास में ही एक तीन कोने का एरो बना हुआ है, वहां पे लिखा है सेफ ट्रेवल। ये सेफ ट्रेवल की वेबसाइट है, आप पढ़ सकते हो, उस पर डॉट लिखा सेफ ट्रेवल डॉट ICA डॉट GOG
gov.sg गवर्नमेंट साइट है गाइस ये, आप इसमें चेक कर सकते हो होम ट्रोलिंग ट्रेवलिंग टू सिंगापुर और उसके नीचे भी लिखा है बड़ा बड़ा ट्रेवलिंग टू सिंगापुर। आप जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यही होम पेज खुल के आएगा, आप उसके बाद पढ़ सकते हो, ये उन्होंने लिख रखा है ओवरव्यू। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ दो, 5 स्टेप लिखे हुए हैं, रिटर्निंग सिंगापुर सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंस, जर्नल एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म पास होल्डर एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ सिंगापुर सिटीजन एंड पीआर। उसके नीचे लिखा है शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिट, शॉर्ट टर्म सोशल विजिट एंड विजिटर्स, डेथ एंड क्रिटिकल इलनेस इमरजेंसी विजिट, यानी कि कोई अगर खत्म हो गया है, बीमार है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये सब लिखा हुआ है, तो मैं नंबर 2 पे क्लिक करता हूं, पे लिखा है जर्नल एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म पास होल्डर एंड इमीडिएट रिलेटिव फॉर सिंगापुर सिटीजन एंड पीआर। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं तो ये आता है नंबर 2 जर्नल। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा, अगर आपने ये पढ़ लिया समझ लिया तो समझ गए गाइस। इस पर लिखा लॉन्ग टर्म पास होल्डर एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ सिंगापुर सिटीजन एंड पीआर नीड टू अप्लाई फॉर एंट्री अप्रूवल टू इंटर सिंगापुर। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगापुर पीआर, यानी कि कोई सिंगापुर के अंदर पीआर है या लॉन्ग सिटीजन है, वो उनके कोई रिलेटिव इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी है, कोई भी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इमीडिएट अपने रिलेटिव के लिए, ठीक है। एंड मे यूज द फॉलोइंग लेंस टू इंटर, उन्होंने लिख दिया है फॉलोइंग लेंस टू इंटर, करंटली ट्रेवल विथ ट्रेवल हिस्ट्री टू ऑल कंट्रीज। उन्होंने लिख दिया है कि ट्रेवलर्स विथ ट्रेवल हिस्ट्री टू ऑल कंट्रीज राइजन एक्सेप्ट, और उन्होंने एक्सेप्ट को डार्क कर दिया। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो उन्होंने एक्सेप्ट को डार्क कर दिया है और लिखा है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर अलाउड टू इंटर थ्रू दिस लाइन। यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज हैं, नॉट अलाउड, एक्सेप्ट लिखा है उन्होंने कि अब सारी कंट्री सिंगापुर में अलाउ है एक्सेप्ट बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये कंट्री सिंगापुर में नहीं आ सकती है, कोई भी ट्रेवल नहीं करता है एक्सेप्ट सिंगापुरियन एंड सिटीजन। क्योंकि कोई रिलेटिव है, कोई भाई बहन चाहे जो भी है, लड़के बच्चे गए हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है सिर्फ सिंगापुर सिटीजन परमानेंट रेजिडेंसी सिंगापुरियन सिटीजन के लिए, बट मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टूडेंट पास। आप देख सकते हो स्टूडेंट पास होल्डर लैंड, ये जो मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, इसको आप सही से देखना और पढ़ना अच्छे से, बाकी मेरा समझाने का काम है। उन्होंने लिखा है स्टूडेंट पास होल्डर्स लैंड, स्टूडेंट पास होल्डर यानी कि एसटीपी एंड एसटीपी इन प्रिंसिपल अप्रूवल होल्डर, यानी कि आईपीए, जिसको हम आईपीए बोलते हैं, जो आईपीए आता है आईसीए से, उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं। तो स्टूडेंट पास होल्डर या जिनके पास है, सिंगापुर में थे, स्टडी कर रहे थे, वो घर चले गए अपने फैमिली से मिलने या किसी कारण से, वो उनके पास अभी वैलिड है, वो घर पे हैं, या जिनकी अप्रूवल आ चुकी है वो भी घर पे हैं, उनके लिए। बाकी दूसरा पॉइंट है एलिजिबल अकंपनिंग गार्डियन ऑफ फैमिलीज ऑफ द एसटीपी एंड एसटीपी आईपीओ होल्डर हु इज ट्रेवलिंग ऑन द सेम डेट। यानी कि गाइज आप सबको पता है कि जिनमें इन्होंने गार्डियन अकंपनी या फैमिली वो भी इंडिया में है या कहीं भी है, उनके साथ भी वो आ सकते हैं, सेम डेट सेम टाइम वो ट्रेवल कर सकते हैं अगर उनके फैमिली मेंबर कोई है। ये है स्टूडेंट पास के होल्डर के ऊपर, ठीक है गाइस, ये फैमिली मेंबर्स अगर कोई भी है तो उनके साथ वो आ सकते हैं। इसके बाद आता है वर्क पास होल्डर, वर्क पास फ्रॉम एमओएम, एमओएम इशूड पास होल्डर इंक्लूडिंग ऑन डिपेंडेंट्स पास लेटर टू कंसर्न्ड एक्सेप्ट दोज होल्डिंग आईसीए इशू लॉन्ग टर्म पास होल्डर। यानी कि जो आईसीए जिन्होंने पास होल्ड कर रखा है उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वर्क पास होल्डर एमओएम से होता है एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल होल्डर कंफर्म नॉनीज नैनीज एंड हेल्पर्स। यानी कि इन्होंने जो कहा है वर्क पास होल्डर एंड कंफर्मेंट, यानी कि नैनीज जो घर में काम करते हैं, वर्क हेल्पर्स कंस्ट्रक्शन या घर में काम करते हैं वो है। उसके बाद मैं आपको ये शॉर्ट टर्म वीजा है गाइस, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस विजिट, किसी का कोई काम है वो आ सकता है। तो दोस्तों यही था, इन्होंने अभी स्टूडेंट पास होल्डर को भी किसी को भी अलाउ नहीं कर, सिर्फ उन्हीं को जिनकी फैमिली सिंगापुर में या फैमिली मेंबर्स वहां पे हैं वो जाकर अपने बेटे को ला सकते हैं। वर्क पास होल्डर हो चुका है, ये सब लॉन्ग टर्म में आता है गाइस, ये वर्क पास होल्डर स्टूडेंट पास लॉन्ग टर्म में आता है। और ये है शॉर्ट टर्म बिजनेस, यानी कि उन्होंने ब्रुनेई, मेनलैंड चाइना, न्यूजीलैंड, ताइवान,
फ्री क्वारंटीन ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भी क्वारंटीन सिंगापुर में नहीं होगी, ये जाएंगे आएंगे नो क्वारंटीन इन सिंगापुर इनके लिए। इसके अलावा बुमनाई मिलन चाइना ये कोई भी क्वारंटीन इनके लिए नहीं है। तो गाइज यही था, मैंने कहा आप लोगों तक न्यूज पहुंचाऊं, क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया के अंदर एजेंट लोग लूटना स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी नहीं कहा इंडियंस के लिए कि हम अलाउ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब वो वहां पे पैसे लेने लगे हैं, रुपये यानी कि इंडियन करेंसी लोगों से ले रहे हैं कि हम अप्लाई कर देंगे, आपका वीजा जाएगा, नेक्स्ट मंथ यू कैन फ्लाई, आफ्टर दैट यू फ्लाई, जनवरी का इनटेक कुछ ये सब क्या है यार दोस्तों यार, आप सब लोग विश्वास कर लेते हो एजेंट की बातों पे। आपका भाई यहाँ पे बैठा है, रियल न्यूज दे रहा है। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना, ठीक है? आप देख लेना अच्छे से कि क्या है, आप उसको चाहे तो ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू जो भी है। आप अगर नहीं आता इंग्लिश तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये सेफ ट्रेवल एक वेबसाइट है फ्रॉम आईसीए गवर्नमेंट की, तो मैं इसको जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना अच्छे से। और इसके अलावा बता दूं गाइस, जो मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो है कि आप लोगों के पैसे बचे। एजेंट ने अब लूटना शुरू, मैंने कहा ना भी एजेंट लोग अब लोगों से पैसे ले रहे हैं कि आप हमें पैसे लाओ, मैं अप्लाई कर रहा हूं, आपकी जो अभी एप्लीकेशन फीस है 20,000-25,000 जो भी मांग रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा इंडियंस को लेकर, एक्सेप्ट वही आ सकते हैं जिन जो सिंगापुर पीआर और सिटीजन है, उनके बच्चे या जो भी है अदर कंट्रीज में इंडिया में जो भी है, या जो सिंगापुरियन पीआर इंडिया के हैं अपनी फैमिली के साथ या किसी से मिलने गए हैं उनके रिलेटिव हैं, वो वापस ला सकते हैं उनके, अगर उनके पास आईपी अप्रूवल है, वैलिड पास है, वैलिड अप्रूवल है, तो रीजन देकर सेफ ट्रेवल को रिक्वेस्ट कर वो उनको अप्रूवल मिल जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल यानी कि जो भी आप लोग मुझसे बात करते हैं आप सब नॉर्मल है, मोस्टली किसी के रिलेटिव नहीं होते, अगर होते भी है तो वो कोई हेल्प भी नहीं करता इतनी। अगर वो रिलेटिव आपके हैं आप फोन भी करोगे तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि वो हेल्प करेंगे, वो कहेंगे कौन रिस्क लेगा, ठीक है? इसीलिए गाइज ये है कि आप लोग अपने पैसे सुरक्षित रखें, एजेंट पे भरोसा ना करें। आपका भाई यहां पे बैठा है, जब भी ऐसी कोई न्यूज आएगी मैं इस चैनल की तरफ से आप सबको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। पहले मैं अपने स्टूडेंट को फोन करूंगा, उसके बाद आप सबको मैं वीडियो की तरफ से न्यूज दे दूंगा। तो गाइज मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि एजेंट जो इस समय लूट रहे हैं लोगों को दुकान खोल कर, गाइज मैं खुला कहता हूं यार, ठीक है? अभी मेरे को बहुत सारे फोन मैसेज आ रहे थे कि यार मेरा ऑफर लेटर आया, अभी 2 दिन पहले ऑफर लेटर आया, 3 दिन पहले ऑफर लेटर आया, मैंने ऐसे कैसे आ गया यार, चलो ऑफर लेटर आ जाएगा ठीक है, उसके बाद कोई कंफर्मेशन डेट भी होनी चाहिए कि इस तारीख से फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, वीजा अप्लाई हो रहा है। अभी अभी अप्लाई करोगे अगर फोर्स भी करते हो, पहले बात कोर्टवेल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोर्टवेल को फोर्स भी करते हो तो कंफर्म रिजेक्शन है, ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपने पैसे बचा कर रखें, जब भी कोई न्यूज आएगी आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि पैसे की वैल्यू आपको कम, आपके पेरेंट्स को ज्यादा पता है कि वो कैसे पैसे कमाते हैं। 4-5 लाख रुपए लगता है सिंगापुर आने में गाइस, और आपको पता नहीं, आप तो जाके एजेंट से बात किया, एजेंट ने बोला ठीक है ये होगा सब हो जाएगा, उसके बाद आपने दे दिया पैसा, फिर वो आपको तारीख पे तारीख, कभी मंडे कभी ट्यूजडे कभी वेनेसडे फोन करो फोन नहीं उठा रहा है। तो यही है दोस्तों यार कि अभी अपने पैसे अपने पास रखो, जब भी सिंगापुर की गवर्नमेंट अलाउ करेगी बॉर्डर्स ओपन करेगी फॉर लॉन्ग टर्म पास होल्डर नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे आप हो, आप स्टूडेंट्स हो, वर्कर हैं, इनके लिए जब भी अलाउ करेगी तो मैं गाइस वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। तो मेरा गाइस ये वीडियो बनाने का मकसद था, आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। न्यूज नहीं है इंडिया के लिए, बट भी मेरा था कि न्यूज आप तक पहुंचाऊं। तो अगर अच्छी लगी वीडियो गाइस तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।